और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट में शटडाउन किया गया है। जयपुर में शटडाउन शुरू हो गया है। देर रात 3 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ और नई पाइपलाइन जोड़ने का काम भी चल रहा है। पंप हाउस पर भी मेंटेनेंस का काम होगा। और अब बड़ी खबर यह है कि 3 दिन जयपुर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। और देखिए, लगातार जिस तरह से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जयपुर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 3 दिन तक पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में आज से 3 दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। जलदाय विभाग ने शटडाउन का फैसला किया है और आज शाम से लेकर 26 फरवरी की सुबह तक पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जलदाय विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है। गर्मी में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग ने 220 MLD पानी की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय किया है और इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए जयपुर में कुछ काम करने हैं और ऐसे में 3 दिनों के लिए पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि इसे देखिए, जयपुर वासियों को परेशानी हो सकती है, पर टैंकर की व्यवस्था लोगों के लिए मौजूद रहेगी, यानी कि लोगों को पानी की किल्लत इतनी ज्यादा नहीं सताएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए, जयपुर वासियों को परेशानी होने वाली है अगले 3 दिन तक, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीज है यानी कि पानी, वो 3 दिन तक के लिए नहीं आने वाला है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगले 3 दिन परीक्षा की घड़ी की तरह है जयपुर वासियों के लिए, क्योंकि बीसलपुर प्रोजेक्ट में शटडाउन कर दिया गया है। रात 3 बजे से मेंटेनेंस का काम और जो नई लाइन जोड़ने का काम है वो शुरू हो गया है। हालांकि अल सुबह की जो सप्लाई थी, जो पाइपलाइन में पानी था, उसके उस पानी से अल सुबह की जो सप्लाई थी शहर में वो की गई, लेकिन अब 26 तारीख की शाम को या 27 की सुबह ही पानी आ पाएगा, यानी 3 दिन तक जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसका कारण ये है कि एक तो मेंटेनेंस का काम चलेगा, दूसरा है कुछ नई जो प्रोजेक्ट की लाइन है उनको जोड़ना है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आना है, तो गर्मी के मौसम में जयपुर में पानी की डिमांड बढ़ेगी, तो जो बीसलपुर प्रोजेक्ट है उससे पानी ज्यादा लिया जाएगा, तो उससे पहले एक मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है, ताकि जो जब पानी का प्रेशर बढ़े और डिमांड बढ़े तो किसी तरह की परेशान ना हो प्रोजेक्ट में। तो इसलिए 3 दिन का शटडाउन लिया गया है आज से। और अगर हम जयपुर में बात करें तो मानस रोड में काम चल रहा है, वाला जो पंप हाउस है वहाँ काम चल रहा है, तो ऐसे में अलग अलग जगह काम है और अन्य जो 3 पंप हाउस है वहाँ भी इस दौरान शटडाउन लिया हुआ है, तो वहाँ भी जो मेंटेनेंस का काम अगर कहीं जरूरत पड़ रही है, कहीं कमी खामी है, तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि जलदाय विभाग ने पहले अपील की थी शटडाउन से पहले जनता से कि वो खासकर 3 दिन के लिए जो है वो पानी का स्टोरेज रखें और साथ में किफायत से पानी का उपयोग करें। इसके बावजूद भी अगर किन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा समस्या होती है, तो फिर जो जयपुर शहर में ट्यूबवेल पहले से जो लगाए हैं उनसे और टैंकर के माध्यम से जयपुर में पानी की सप्लाई की जाएगी जहाँ ज्यादा समस्या होगी। जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है आर सी मीना, वो कल शाम को ही बालावाला पंप हाउस पहुंच गए थे, तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने देखी थी, साथ में विभिन्न जो क्षेत्र हैं जयपुर के उनके अफसरों के जो AN स्तर तक के अफसर हैं उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं कि कहीं किसी को परेशानी हो, ज्यादा पेयजल का संकट हो अगले 3 दिन में तो इस पर संपर्क करें, तो वहां पे जो टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो चूंकि देखिए सब जगह तो पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी टैंकर के माध्यम से, लेकिन कुछ जगह जरूर संभव है, लेकिन ऐसे में अगले 3 दिन परेशानी वाले रहेंगे। ऐसे में लोगों से यही अपील की जा सकती है कि वो अगले 3 दिन पानी को किफायत से उपयोग करें। अब बिल्कुल नरेश जी, यानी कि समझा जा सकता है कि 3 दिन तक पानी पूरी तरह से बंद रहेगा, पर जहां पे पानी की ज्यादा किल्लत होगी उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और वो लोग टैंकर मंगवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।